अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी फ्लेम। आज हम एक टेस्टी यमी सैलेड बना रहे हैं, जो आप इसे साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं। इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इसे कुछ ही मिनट्स में बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी सैलेड। तो चलिए अपना वक्त ज़ाया किए बगैर मैक्रोनी सैलेड के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। एक कप मैक्रोनी, बोनलेस चिकन बॉयल किए हुए, एक अदद प्याज चॉप किए हुए, ग्रीन अनियन चॉप किए हुए, एक अदद कीरा चॉप किए हुए, 6 टेबल स्पून मेयोनीज, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। मैक्रोनी बॉयल करने के लिए पानी गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत नमक, वन कप मैक्रोनी, आप जितना मैक्रोनी ले रहे हैं उसी हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम चमचा हिलाते जाएंगे और मैक्रोनी बॉयल होने तक वेट करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए मैक्रोनी। अब इसमें ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून मेयोनीज, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ही हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे बनाते वक्त इंजॉय भी करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज, चॉप किए हुए कीरे, चॉप किए हुए ग्रीन अनियन, बॉयल चिकन। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे एक डिश में सर्व करेंगे। जी तो माशाल्लाह हमारे मैक्रोनी सैलेड रेडी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे ग्रीन चिली के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली रेसिपी मिस ना कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।